नबी के कानून में ज़रा फ़र्क नहीं आ सकता। ये वो कर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने दो मरतबा इन अदुल नबी रबी अव्वल का महीना है क्यों नहीं मनाया, नबी से मोहब्बत नहीं थी। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने 10 साल खलीफा रहे, कभी जश्न इन अदुल नबी नहीं मनाया जिससे आज हम मनाते। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने 12 साल खलीफा थे, कभी नहीं मनाया। अली रज़ी अल्लाह ताला ने 5 साल खलीफा थे। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला का दौर देख लीजिए, फिर उसके अलावा आप पूरी कुतुब सित्ता पढ़ जाइए, अहादीस की जितनी सुनन है सब पढ़ जाइए, सही बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिर्मिजी, इब्ने माजा, मुस्तदरक हाकिम, मुअत्तमा मालिक, दारमी, और जो है इसी तरीके से मुअज्जम, तमाम किताबें आप पढ़कर चले जाइए, तमाम किताबें पढ़कर चले जाइए। आप उन किताबों के अंदर सिर्फ ईद मिलादुन नबी का कोई चैप्टर बता दीजिए, नहीं है ईद मिलादुन नबी का चैप्टर ही नहीं। फिर चलो अहादीस की किताबें उठाकर देखो, लोग कहते हैं भाई अहादीस में नहीं है, फकह हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अब कुदूरी उठाकर देख लो, शामी उठाकर के देख लो, जो फकह की किताबें हैं उनको हिदायत उठाकर देख लो, क्या उनमें है ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से बात है? उनमें भी नहीं है। फिर क्यों कहते हो, है ना, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। समझ रहे इस सेंटेंस का मतलब? सिंपल लहजे में बात कही गई है लेकिन बात बहुत बेकार है, बहुत खराब। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। इबलीस को छोड़कर सब खुश हो रहे हैं, सब जश्न मना रहे हैं, जो नहीं मना रहे हैं वो इबलीस के साथी। हे कहने वाले, तूने कितनी बुरी बात कही थी, तूने ये बात कह करके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को भी गलत कह दिया, क्योंकि उन्होंने भी कभी जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को तूने गलत कह दिया क्योंकि उन्होंने भी जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया। पिराने पीर को तूने गलत कह दिया क्योंकि उन्होंने भी जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, तलहा ज़ुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अम्मार यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, तमाम लोगों ने जश्न मनाया ही नहीं, तुमने क्या कह दिया कि सिवाय इबलीस के इस जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। बात कहां तक पहुंच रही है? तुम किनको इबलीस का साथी कह रहे हो? वो कि जिनके ताल्लुक से अर्श से ऐलान हुआ था रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ये से राजी हुए, अल्लाह इनसे राजी हो, तुम उनके ताल्लुक से कह रहे हो। इसलिए सोचो समझो कि ये बात कहाँ तक जा रही है। हाँ, नबी से मोहब्बत करनी है, बहुत करनी है, नबी से बहुत मोहब्बत करनी है, क्योंकि मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत ना होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझ लो कि किस्मत में जन्नत ना होगी। करे जो इताअत मोहम्मद की दिल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे पीरो मुर्शद की हाजत ना होगी, भटकता रहा है भटकता रहेगा। मोहम्मद से जिसको अकीदत ना होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी से मोहब्बत है मगर नबी से मोहब्बत का इजहार जो किया जा रहा है वो बड़ा गलत है, वो बहुत गलत है।